और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में 23 मार्च को शपथ ग्रहण का आयोजन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लग गई है और अब शपथ ग्रहण की तारीख भी सामने आ गई है। उत्तराखंड में 23 मार्च मतलब दिन बुधवार जब शपथ ग्रहण होगा। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। नीरज, तारीख सामने आ गई है, जगह के बारे में कुछ पता चल पा रहा है और किस किस को न्योता भेजा जाएगा इस शपथ ग्रहण के लिए? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह शपथ ग्रहण कार्यक्रम है वो 23 तारीख को परेड ग्राउंड पर होगा। परेड ग्राउंड में ये आयोजित किया गया, क्योंकि कल झंडा मेला है और उत्तराखंड के लिए झंडा मेला बहुत महत्वपूर्ण होता है और पूरे देहरादून में पूरे देश भर से श्रद्धालु आते हैं झंडा मेला की वजह से, और पूरे देहरादून में भीड़ ही भीड़ होती है लोगों की, जो दूसरे स्टेट से लोग आते हैं। इसकी वजह से कल ये रखा नहीं जाएगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। 23 तारीख को शपथ ग्रहण कार्यक्रम पुष्कर धामी का परेड ग्राउंड में रखा जाएगा और माना जा ये जा रहा है कि सेंट्रल लीडरशिप भी उस कार्यक्रम में शामिल हो सकती है, यानी कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जेपी नड्डा, और कहा यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि 2017 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए थे और उस समय यहाँ पे शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे त्रिवेंद्र सिंह रावत के। तो एक बार फिर से ये माना जा रहा है कि अब जब पुष्कर धामी फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे तो माना जा रहा है कि सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद नीरज पांडे तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।